नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली स्टार गेट वर्ल्ड ज्योग्राफी वीडियो नंबर 90। पिछली वीडियो में हमने अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें से भी हमने केवल उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएँ, क्योंकि अटलांटिक महासागर की धाराएँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसकी दो वीडियो बन गई। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, ये वाली देखिए, साउथ इक्वेटोरियल करंट। पिछली वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रचलित दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों, जैसे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन इस प्रकार चलती है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। ये देखिए, यह धारा पूर्व से पश्चिम की ओर पश्चिम अफ्रीका के तट से दक्षिण अमेरिका के पूर्व तट तक प्रवाहित होती है। यह धारा पूर्व से पश्चिम पश्चिम अफ्रीका, ये अफ्रीका का पश्चिमी तट है, और यदि पूर्व से पश्चिम का है तो इस प्रकार ये इस साइड पूर्व होता है और इस साइड पश्चिम होता है, लेकिन यह है अफ्रीका का पश्चिमी तट और ये नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी तट। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यह धारा पूर्व से पश्चिम पश्चिम अफ्रीका के तट से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट तक प्रवाहित होती है। इसका अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ना कि दक्षिणी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। इसका जो विस्तार है, यानी ये जितनी जितनी चौड़ाई में यह बहती है दक्षिणी भूमध्य रेखा धारा, वो बहती है 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। जून तथा जुलाई में इस धारा का वेग 20 समुद्री मील प्रतिदिन से अधिक होता है, क्योंकि तापीय भूमध्य रेखा धारा भौगोलिक भूमध्य रेखा धारा से कुछ दूर उत्तर में स्थित होती है। जो ये 0 डिग्री है, ये तो भौगोलिक भूमध्य रेखा धारा है, लेकिन जो तापमान की धारा बनती है वो थोड़ी इसकी लगभग 4 उत्तरी अक्षांश पर बनती है, क्योंकि जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। अतः हम कह सकते हैं दक्षिण भूमध्य रेखा धारा का विस्तार वर्ष के अधिकांश महीनों में भूमध्य रेखा के उत्तर तक होता है। बस आगे देखिए इसी धारा में, जब यह धारा ब्राज़ील के तट, यहाँ पर ब्राज़ील का तट दिख रहा होगा आपको, ये ब्राज़ील का तट है, ब्राज़ील के पूर्वी तट के निकट पहुंचती है, तो साउरोगो अंतरीप अवस्थित है यहाँ पर। साउरोगो अंतरीप मैं दिखा भी दूंगा, वैसे हमने मैपिंग में सब देखा है। साउरोगो अंतरीप के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती है। साउरोगो अंतरीप के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती है। उत्तरी शाखा, ये देखिए 2 शाखा हो गई यहाँ पर। उत्तरी शाखा उत्तर पश्चिम की दिशा में कैरेबियन सागर की ओर अग्रसर होती हुई उत्तरी भूमध्य रेखा धारा से मिल जाती है, जबकि दक्षिणी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर ब्राज़ील तट के समानांतर प्रवाहित होती है। इसे ब्राज़ील की धारा कहते हैं। साओ अंतरीप यहाँ पर है, देख लीजिए, ये वाला है ब्राज़ील का। दूसरी धारा है ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा की उत्पत्ति किससे हुई है? साउथ इक्वेटोरियल करंट की दक्षिणी शाखा से। ब्राज़ील धारा में आपको लिखना है कि ब्राज़ील धारा की उत्पत्ति दक्षिणी भूमध्य रेखा धारा की एक शाखा के रूप में होती है। यह अत्यधिक गर्म और अधिक लवणयुक्त धारा है ब्राज़ील धारा। इस धारा के द्वारा प्रति सेकंड 10 मिलियन घन मीटर जल ब्राज़ील तट के पास पहुंचता है। विषुवत रेखा की ओर से प्रवाहित होने वाली यह धारा अपने समीपवर्ती जल राशि से अधिक गर्म होती है। 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यह देखिए यहाँ पर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक चलने के उपरांत यह धारा फोकलैंड की ठंडी धारा, ये जो है फोकलैंड की ठंडी धारा है। इसको फोकलैंड फोकलैंड नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर फोकलैंड द्वीप है। फोकलैंड की ठंडी धारा से मिल जाती है ब्राज़ील की गर्म धारा। इस धारा के द्वारा प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा, जो ऊपर वाली गल्फ स्ट्रीम धारा है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी, गल्फ स्ट्रीम द्वारा प्रवाहित जल राशि की मात्रा का 10% होता है इसमें। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट पछुआ पवन प्रभाव, पछुआ पवन के प्रभाव, पछुआ पवन बहती है, पछुआ पवन के प्रभाव तथा पृथ्वी के आवर्तन से उत्पन्न होने वाले कोरियोलिस बल के कारण ब्राज़ील धारा
अपने बाई ओर, देखिए ब्राजील धारा अपने बाई ओर, इसका ऐसे धारा आ रही है, इसका बायां किस साइड होगा, इस साइड, क्योंकि इस साइड दायां हाथ होगा, इस साइड बायां हाथ होगा। अपने आप से कंपेरिजन कर सकते हैं आप, अपने बाई ओर यानी इस साइड मुड़कर पूर्व दिशा में, इधर पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ब्राजील धारा हो गया हमारा और दक्षिण भूमध्य रेखा धारा हो गया। अब आप लिखिए फोकलैंड की धारा के बारे में, यहाँ पर देखिए ये जो ये वाली, इसके बारे में बात करेंगे हम। यह एक ठंडी धारा है जो अंटार्कटिक महासागर में उत्पन्न होकर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के सारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इस धारा की उत्तरी सीमा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, यानी 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा से ऊपर ये नहीं जाती। अपनी उत्तरी सीमा पर यह धारा ब्राजील धारा से मिलकर पछुआ पवन, भी हमने डिस्कस किया था, पछुआ पवन के प्रभाव से पूर्व की ओर, क्योंकि पछुआ पवन इस ऐसे चलती है दक्षिण गोलार्ध में, प्रभाव से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इस सम्मिलित धारा को पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट अटलांटिक विंड या वेस्ट विंड ड्रिप कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए वेस्ट विंड ड्रिप, तो यहाँ से मिलती है और ऐसे दक्षिण अटलांटिक धारा, वेस्ट विंड ड्रिप को अटलांटिक महासागर में दक्षिण अटलांटिक धारा बोलते हैं। इसको आप वेस्ट विंड ड्रिप भी लिख सकते हो, दक्षिण अटलांटिक धारा भी लिख सकते हो। पछुआ पवन की पेटी में पश्चिम से पूर्व, ये देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा है। इस धारा को दक्षिण अटलांटिक धारा अथवा पछुआ पवन प्रवाह यानी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहा जाता है। इसके द्वारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाली एंटीक्लॉकवाइज जल संचार प्रणाली, यानी देखिए एंटीक्लॉकवाइज जल संचार प्रणाली पूरी हो जाती है। इसमें एक धारा और बची है, हमने दक्षिण भूमध्य रेखा धारा, ब्राजील धारा, फोकलैंड की धारा, पछुआ पवन प्रवाह धाराओं के बारे में डिस्कस कर लिया। ये और बची, देखिए बेंगुली करंट, इसके बारे में लिखिए, बेंगुला करंट के बारे में। अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर, देखिए पश्चिमी तट के समानांतर है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को बेंगुला धारा कहा जाता है। तम माशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप तथा 17 से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर 17 से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है के मध्य यह धारा पूर्णतया विकसित रूप से प्रवाहित होती है। अफ्रीका तट के समीप ठंडा महासागरीय जल नीचे से उठकर सतह तक आता है, नीचे से उठकर उद्वेलन होता है जल का, सतह तक आता है, जिसके मिलने से ज़्यादा अधिक ठंडी हो जाती है यह धारा। इस धारा के द्वारा प्रति सेकंड 16 मिलियन घन मीटर पानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को पार करने पर यह धारा तट से दूर हटकर प्रवाहित होने लगती है। देखिए यहाँ से तट से दूर हो गई है, यहाँ पर देखिए ऐसे दूर होती जा रही है तट से, ये तट हो गया, इससे दूर होती जा रही है और आगे चलकर दक्षिणी भूमध्य रेखा धारा में, यानी देखिए इसमें साउथ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती है। बेंगुला धारा के कारण भूमध्य रेखा तक ठंडी जल राशि का प्रसार हो जाता है, भूमध्य रेखा, क्योंकि जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है इसका विस्तार कहाँ तक है, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यह हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए इसमें यदि ये यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, इस मैंने आपको पहले कहा था इनको समझने के लिए आपको मैपिंग देखनी अनिवार्य है, ठीक है, और आपको सभी दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए, इमेजिन करना आना चाहिए, कल्पना कर सकते हो आप, तब आपके बेहतर समझ आएगी। जितना मैंने बताया है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ लिखा हुआ, और दोनों को आप एक ही साथ लिख सकते हो, उत्तरी अटलांटिक धारा दक्षिण अटलांटिक धारा है, दोनों को एक ही साथ लिख लीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने उत्तरी अटलांटिक धाराओं के बारे में डिस्कस किया था। आइए मैं बता देता हूँ, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था दक्षिण भूमध्य रेखा धारा, ठीक है, फिर हमने डिस्कस की ब्राजील धारा, फोकलैंड की धारा, दक्षिण अटलांटिक धारा जिसको पछुआ पवन प्रवाह भी कहते हैं, और बेंगोलाई धारा। ये चार मुख्य धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जितनी मुख्य धारा थी हमने डिस्कस कर लिया था, यानी हमारा आज
अटलांटिक महासागर की धाराएं कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट अटलांटिक महासागर की धारा है, दूसरे नंबर पर है हिंद महासागर की धारा यदि हम परीक्षा की दृष्टि से देखें, और सबसे अंतिम में आएगी प्रशांत महासागर की धारा। प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में बहुत ही कम बार पूछा गया है एग्जाम में, सबसे अधिक पूछा गया है अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को इतने रखते हैं, अगली वीडियो डिस्कस करेंगे हम प्रशांत महासागर की धाराएं। थैंक यू वेरी मच।